जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो संस्कृत खंड है, और संस्कृत खंड का यहाँ पर जो पांचवा पाठ है यानी पंचमह पाठा, और इस पाठ का नाम है सुभाषितानि अर्थात सुंदर उक्तियाँ। और इस पाठ का यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहला जो श्लोक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए भी। श्लोक क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वर मे को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतैरपि एकश्च चंद्र अस्तमो हन्ति नाचा तारा गणैरपि। तो यह जो श्लोक है आपकी बोर्ड परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी और वार्षिक परीक्षा के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे इस श्लोक का आज के इस वीडियो में आपको संदर्भ और इसका सरल हिंदी अनुवाद भी मैं आपको बताऊंगा। और संस्कृत खंड का यहाँ पर जो तीसरा पाठ है पुरुषोत्तम रामः अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ राम, इस पाठ के सभी श्लोकों को मैंने पढ़ा दिया है। वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख पाओगे। और संस्कृत खंड का जो दूसरा पाठ है सदाचारः अर्थात उत्तम आचरण, इस पाठ के सभी गद्यांश और इसके सभी पद्यांशों को भी मैंने पढ़ा दिया है। और मेरे प्यारे बच्चों जो पहला पाठ है वंदना शीर्षक पाठ, इसको भी मैंने कम्प्लीट पढ़ा दिया है, आप वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख पाओगे। तो यहाँ पर जो है सुभाषितानि सुंदर उक्तियां, तो इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है? तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप किसी भी गद्यांश का हो या पद्यांश का संदर्भ लिखें तो आपको उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम को शब्दों को जरूर लिखना है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं मैंने इस श्लोक के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिखा है, फिर अंतिम के शब्दों को लिखा है। क्या लिखा है? वर मे को गुड़ी, और यहाँ पर अंतिम के शब्द क्या हैं? तारा गणे रपि, और इसके बाद हेडिंग डाली है संदर्भ। तो संदर्भ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक पाठ से उद्धृत है। जब भी आप संदर्भ लिखेंगे इस पाठ के किसी भी श्लोक का, सेम इसी तरह से संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड, चाहे तो आप काले पेन से लिख सकते हैं। फिर पाठ का नाम क्या है? सुभाषितानि। पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। संदर्भ लिखने का तरीका आप जान गए। अब बारी आती है श्लोक का हिंदी अनुवाद आपको कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं आपको इसका सरल हिंदी अनुवाद बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे वर मे को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतैरपि, अर्थात गुणवान एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है और मूर्ख पुत्र सैकड़ों भी नहीं श्रेष्ठ होते। यानी वर मे को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतैरपि, यदि एक पुत्र है और वह गुणवान है तो वह श्रेष्ठ माना जाता है, और नाचा मूर्ख सतैरपि, और यदि 100 पुत्र हैं और वह मूर्ख हैं तो भी वह श्रेष्ठ नहीं होते या नहीं माने जाते। एकश्च चंद्र अस्तमो हन्ति नाचा तारा गणैरपि, अर्थात अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है जबकि तारों का समूह नहीं। एकश्च चंद्र अस्तमो हन्ति, यानी अकेला चंद्रमा किसका हरण कर देता है, किसको नष्ट कर देता है? अंधकार को नष्ट कर देता है। नाचा तारा गणैरपि, और जो तारों का समूह होता है वह अंधकार को नष्ट नहीं कर पाते। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है? वर मे को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतैरपि एकश्च चंद्र अस्तमो हन्ति नाचा तारा गणैरपि, अर्थात इस तरीके से आपको हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल देना काले पेन से। मेरे प्यारे बच्चों हिंदी अनुवाद क्या होगा कि गुणवान एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है, वर मे को गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख सतैरपि, और मूर्ख पुत्र सैकड़ों भी नहीं श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ पर आगे आप लोग ध्यान देंगे
एकश्च चंद्र अस्तमो हन्ति ना चा तारा गणेरपि। अर्थात अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है जबकि तारों का समूह नहीं नष्ट कर पाता। तो गुणवान एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है और मूर्ख पुत्र सैकड़ों भी नहीं अर्थात श्रेष्ठ नहीं होते। अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है जबकि तारों का समूह अंधकार को नष्ट नहीं कर पाता। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो शेयर कर देना और इसी तरह से यदि आप अगले श्लोक का भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।